प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक श्यामपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहती थी। वे मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। मीनू चिड़िया हर साल ही अपना नया व्यापार किया करती थी। हर साल मीनू चिड़िया कुछ ना कुछ नया व्यापार करके ही अपना जीवन बसर करती थी। इस साल भी मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ बैठी यही सोच रही होती है कि इस बार वे आखिर कौन सा कारोबार करे। अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हें कुछ समझ में आया कि इस बार तुम कौन सा व्यापार करने वाली हो? हाँ बेटा, मुझे इस बार एक ही व्यापार समझ आ रहा है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। हम दोनों को मिलकर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ माँ, तुम मेहनत की चिंता ना करो, वे हम दोनों कर लेंगे। हाँ तो फिर मैंने इस बार सोचा है कि हम लोग इस बार फलों के काफी बड़े बड़े से घर बनाते हैं। हम वे घर बनाकर पक्षियों को बेच देंगे, क्योंकि बारिशें भी तो होने ही वाली है। सभी पक्षियों के घर अभी बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। सब पक्षी हमसे फलों के घर जरूर खरीद लेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर फल लेते हैं और उन फलों को उल्लू वैद्य जी के उस इंजेक्शन से बड़ा करके उन्हें अपना एक घर बना लेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो फिर हम उल्लू वैद्य जी के पास चलते हैं। पहले उनसे काफी सारे इंजेक्शन ले आते हैं, फिर हम फल ढूंढेंगे। फिर मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए उल्लू वैद्य जी के पास पहुँच जाते हैं। अरे उल्लू वैद्य जी, हमें आपसे वो इंजेक्शन चाहिए जिसे लगाते ही कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छा, वो इंजेक्शन तो मेरे पास काफी सारे पड़े हैं, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, और हाँ, बदले में मैं ढेर सारे दाने लूंगा। हाँ हाँ उल्लू वैद्य जी, आपको तो पता ही है हर साल मैं नया कारोबार करती हूँ। इस साल मैं आपसे कारोबार के लिए ही ये इंजेक्शन ले रही हूँ। अब जैसे ही मुझे मुनाफा होगा तो मैं आपको दाने दे दूंगी। फिर क्या था, वे उल्लू वैद्य जी उस मीनू चिड़िया को इंजेक्शन दे देते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा एक छोटे से सेब को लेकर एक बड़े दरख्त पर आकर बैठ जाते हैं। फिर वे दोनों उस सेब के अंदर इंजेक्शन लगा के उस सेब को घर की तरह बड़ा सा बना देते हैं। अरे वाह, देखो कितना बढ़िया घर बना है। चलो अब हम आज रात इसी के अंदर रहेंगे, वरना कोई भी हमारे इस घर पर कब्जा कर सकता है। फिर क्या था, उस रात वे दोनों उसी घर के अंदर रहते हैं। अगली सुबह अब वे दोनों दोबारा से काफी सारे फल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही उन दोनों को एक जगह पर आम दिखता है। आम को देखते ही वे दोनों आम के पास आकर बैठ जाते हैं। चलो माँ, तुम एक काम करो, तुम आगे जाकर और फल ढूंढो, मैं ये आम अपने दरख्त पर ले जाता हूँ। फिर क्या था, वे मानो चिड़ा उस आम को लेकर अपने दरख्त पर आ जाता है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, चलो जाकर पास की नहर से पानी पीकर आ जाता हूँ। फिर क्या था, वे मानो चिड़ा उड़ता हुआ वहाँ से पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में वहाँ से ही एक कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़े आम पर पड़ती है। वे कालू कौवा झट से उस आम के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है, अरे ना जाने ये आम किसका है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये क्या, ये तो सेब का इतना बड़ा घर बना हुआ है, बारिशें होने ही वाली है। चलो मुझे लगता है ये घर किसी का भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, ये आम भी खा जाता हूँ और इस घर पर कब्जा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा उस आम को खाने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा सेब का घर है और ये आम मेरा ही है, मानो चिड़ा इसे यहाँ पर लेकर आया था, ना जाने मानो चिड़ा कहाँ पर चला गया है, उसे इस आम को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। तुम तो इस आम को चोरी कर कर खा रहे थे, अगर मैं ना आती तो तुम तो ये आम भी खा जाते और मेरे घर पर भी कब्जा कर लेते। और नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा घिनौना इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारा ये घर देख रहा था, ये जो घर है ये बहुत अच्छा है,
ऐसा फल का घर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा है। लेकिन मीनू चिड़िया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम इस बार कौन सा कारोबार करने वाली हो? ये घर तुमने क्यों बनाया है? अरे हाँ कालू कौवे, ये घर मैंने बेचने के लिए ही बनाए हैं। इस बार मैं घरों का कारोबार करूँगी। तुम्हें तो पता है बारिशें होने ही वाली हैं और जंगल में किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना हुआ है, इसीलिए बारिशों से पहले ही मैं सभी पक्षियों को ये घर बेच दूंगी। अच्छा, फिर तुम एक घर कितने में बेचोगी, ये बताओ जरा मुझे। अरे कालू कौवे, ये अभी मैंने सोचा नहीं है। जब मैं ये सोचूंगी तो मैं सभी पक्षियों के साथ साथ तुम्हें भी बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है फिर मीनू चिड़िया, अब मैं अपने घर चलता हूँ। प्रिया कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी आराम से रहते थे। उस जंगल में सभी पक्षी बिना फिकर आराम से रहते थे। बरसात का मौसम काफी करीब था। किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना हुआ था। सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत बनाने की बहुत ज्यादा ही फिकर थी। अरे अरे, बारिश का वक्त करीब आ रहा है, अभी तक किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना है। अरे किसी पक्षी को तो छोड़ो, मेरा अपना घर भी नहीं बना है। पता नहीं इस बार बारिश तेज होगी या फिर हल्की होगी। चलो जाकर सब पक्षियों से पूछता हूँ कि वे लोग कब अपना घर बना रहे हैं। फिर कौवा उड़ता हुआ सभी पक्षियों के पास चला जाता है। अरे भैया, अरे भाई तुम यहाँ कैसे आए हो? अरे हाँ हाँ कौवे भैया, आप यहाँ कैसे आए? अरे मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। देखो बारिश का वक्त कितना करीब आ रहा है, फिर भी अभी तक हम में से किसी का भी घर पक्का नहीं बना है। ये बहुत अहम मसला है, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ पर हम क्या करें, हमें तो ये भी नहीं पता कि इस बार बारिश तेज होगी या फिर हल्की होगी। अरे हाँ हाँ, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। चलो हम बादलों के पास चलते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि इस बार बारिश हल्की होगी या फिर तेज होगी। अरे हाँ हाँ कौवे, ये बात तुम ठीक कह रहे हो। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए बादलों के पास जाते हैं। अरे बादल भाई, बादल भाई, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ हाँ, जल्दी बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है? अरे बादल जी, हमें आपसे ज्यादा काम नहीं है, बस यही पूछना था कि इस बार हमारे जंगल में बारिश ज्यादा होगी या बहुत ही कम होगी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि बारिश कम होगी? मैं इस बार बहुत ही बारिश बरसाऊंगा। पिछले कितने सालों से मैंने इस जंगल में हल्की हल्की बारिश करी है, पर इस बार मैं इस जंगल में बहुत तेज बारिश करूंगा। ये सुनकर वे सब पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो सब जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे भाइयों, बादल ने तो कहा है कि इस बार बारिश बहुत ही तेज होगी। अरे हाँ हाँ, मुझे तो इस बार बहुत ही डर लग रहा है, हमारे तो घर भी नहीं है। अरे हाँ हाँ कौवे, अब हम क्या करेंगे? अरे हाँ हाँ, मेरे पास एक और उपाय है। हम लोग एक काम करते हैं, बुलबुल के पास चलते हैं, वे हमें घर बनाना सिखा देगी। अरे पर लेकिन मीनू चिड़िया तो इस जंगल में सबसे मजबूत घर बनाती है, हम जाकर उससे घर बनाना सीखते हैं, वो हमें बुलबुल से भी अच्छा घर बनाना सिखाएगी। अरे हाँ हाँ, पिछली बार भी हल्की बारिश हुई थी इसीलिए बुलबुल का घर बच गया था, वरना अगर तेज बारिश होती तो बुलबुल का घर भी बह जाता पानी में। अरे अरे रुको रुको, जरा सब्र करो, हम एक काम करते हैं, हम मीनू चिड़िया के भी पास जाएंगे और बुलबुल के भी पास जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे जो ज्यादा अच्छा घर बना रहा होगा हम उसी से ही घर बनाना सीखेंगे। अरे हाँ हाँ कौवे भैया, अब आप बात ठीक कह रहे हो, हम जाते हैं। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए बुलबुल के पास जाते हैं।
टिहरी आप सब पक्षी यहाँ पर बोलिए बोलिए, आप लोगों को क्या काम है? अरे बुलबुल जी, वह दरअसल बात ऐसी है, हमें आपसे घर बनाना सीखना है। आप अपना घर बहुत ही मजबूत बनाती है। टिहरी हाँ हाँ, मैं भी मजबूत घर बनाती हूँ, लेकिन मीनू चिड़िया मुझसे ज्यादा मजबूत घर बनाती है, वो आपको मुझसे अच्छा सिखाएगी। अरे देखा कौवे भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था, मीनू चिड़िया इस पूरे जंगल में सबसे मजबूत घर बनाती है। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है बारिश कितनी करीब है, हमें तुमसे एक मजबूत घर बनाना सीखना है। एरी हाँ हाँ, मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन मेरे जैसा घर बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप सबको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। वे कौवा बहुत ही आलसी था, इसीलिए वो कहता है, अरे अरे, अगर इस मीनू चिड़िया से घर बनाना सीखेंगे तब तो हमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन अगर बुलबुल से सीखेंगे वे हमें आसानी से घर बनाना सिखा देगी। अरे पर कौवे भैया, वो बुलबुल तो कच्चा घर बनाती है, हमें तो एकदम पक्का और मजबूत घर बनाना है। अरे जरा देखो तो सही, मीनू चिड़िया और बुलबुल का घर एक जैसा ही है, बुलबुल का घर भी मीनू चिड़िया जितना ही पक्का है, अगर हम मीनू चिड़िया से अपना घर बनाना सीखेंगे तो हमें बहुत मेहनत लगेगी, पर अगर बुलबुल से सीखेंगे तो वे हमें बगैर मेहनत के ही सिखा देगी। फिर वे सब पक्षी भी कौवे की बातों में आ जाते हैं। हाँ हाँ कौवे भैया, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलो बुलबुल के पास चलते हैं। फिर वे सब पक्षी बुलबुल के पास जाकर उससे घर बनाना सीखते हैं। जब वे पक्षी घर बनाना सीख जाते हैं तो वे सब अपना अपना घर भी तैयार कर लेते हैं। मीनू चिड़िया को घर बनाने की अच्छी पहचान थी। तेरी ये बुलबुल ने तो इनको बहुत ही कच्चा घर बनाना सिखाया है, अगर तेज बारिश हो गई तो इन सबके घर तो डूब जाएंगे। मीनू चिड़िया को सभी पक्षियों की बहुत ही चिंता होती है। फिर अगले दिन जोरदार बारिश हो जाती है, दरख्त हवाओं से इधर उधर लहरा रहे होते हैं। मीनू चिड़िया को सभी पक्षियों की बहुत ही चिंता होती है, इसीलिए वे उड़ती हुई बादल के पास जाती है। मेरी बादल भैया, आप जरा बारिश को हल्का कर दो, इन सब पक्षियों के घर बहुत ही कमजोर हैं, आपकी तेज बारिश के कारण इन सब के घर डूब जाएंगे। अरे अरे मीनू चिड़िया, मैं इस बारिश को नहीं रोक सकता, जब मेरे अंदर से पानी कम होगा जब ही ये बारिश रुकेगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर मीनू चिड़िया उड़ती हुई दरख्त के पास जाती है। अरे दरख्त भैया, आपके ऊपर ये जो पक्षियों के घर बने हैं, आप इन्हें हवा से गिरने मत देना, इनको संभाल लेना। अरे मीनू चिड़िया, हवा बहुत तेज चल रही है जिसके कारण मैं अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं भला इन पक्षियों के घरों को कैसे संभाल सकता हूँ। यहाँ पर भी मीनू चिड़िया की बात नहीं बनती, इसीलिए वे वापस अपने घर में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश काफी तेज हो जाती है, सभी पक्षियों के घर हवा में उड़ जाते हैं। अब तो सब पक्षियों को समझ आ गया था कि उन्हें मीनू चिड़िया से ही मजबूत घोंसला बनाना चाहिए था। और ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब तो मुझे सारी बारिश में भीगना पड़ेगा, मुझे मेहनत ना करनी पड़े इसीलिए मैंने मीनू चिड़िया से घर बनाना नहीं सीखा, और तो और अब मेरी वजह से सारे पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अरे अरे अब क्या होगा, क्यों मैं कौवे की बात में आया, उस कौवे ने गलत कहा था, मुझे मीनू चिड़िया से ही घर बनाना सीखना चाहिए था, मुझे मेहनत ना करनी पड़े इसीलिए मैंने बहुत ही बुरा किया। अरे रे अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ही सर्दी लग रही है, काश मैंने मीनू चिड़िया से ही घर बनाना सीखा होता, कम से कम अभी मेरा घर तो सलामत होता। फिर वे सब पक्षी खूब बारिश में भीग रहे होते हैं। मीनू चिड़िया को उन पक्षियों को भीगता देख बहुत दया आती है, इसीलिए मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। अरे अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों के घर भी उड़ गए हैं, अगर मैं तुम लोगों को उस दिन मीनू चिड़िया से ही सीखने देता तो अब हमारे घर सलामत होते, इस सब में मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। अरे कौवे,
हमें भी मेहनत नहीं करनी थी, इसीलिए हमने तुम्हारी बात मान ली। इसमें हमारी भी गलती है। अरे हाँ हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो, इसमें हमारी भी गलती है। मैंने तो पहले ही आप लोगों को कहा था कि मेरे जैसा घर बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन घर बहुत ही पक्का बन जाएगा। लेकिन आप सब नहीं मानी। लेकिन आज के बाद आप लोग मेहनत करने से कभी नहीं कतराएंगे।